गाजीपुर से आदित्य कुमार सीनियर क्राइम रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। छठ महापर्व पर पोखरे पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। पोखरे पर सुंदरीकरण की व्यवस्था देख चर्चा में आए ग्राम प्रधान सकलदीप गुप्ता उर्फ पंतू। नसीरपुर ग्राम सभा का विकास करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य। नसीरपुर ग्राम प्रधान सकलदीप गुप्ता उर्फ पंतू। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर छठ पर्व को पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसी के साथ गाजीपुर जिले के मनिहारी ब्लॉक अंतर्गत नसीरपुर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान सकलदीप गुप्ता उर्फ पंतू की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सकलदीप गुप्ता उर्फ पंतू के नसीरपुर ग्राम सभा का प्रधान होने के बाद से ही सकलदीप गुप्ता उर्फ पंतू के द्वारा लगातार ग्राम सभा के हित में कार्य किया जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मनसा के अनुरूप विकास कार्यों को प्रगति रूप से ग्राम प्रधान सकलदीप गुप्ता उर्फ पंतू के द्वारा कराया जा रहा है। सकलदीप गुप्ता उर्फ पंतू के द्वारा समय समय पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर ग्राम सभा के लोगों को जागरूक किया जाता है, जिससे ग्राम सभा के लोग जागरूक हो और उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसी क्रम में आपको बताते चले कि छठ पर्व को लेकर माताओं बहनों ने अपने परिवार की सुख समृद्धि लंबी आयु दीर्घायु के लिए निराजल व्रत रखा और जगह जगह काफी संख्या में तालाब नदी पर श्रद्धालु दिखाई दिए। हंसराजपुर नसीरपुर पोखरा श्रद्धालुओं से पूरा भरा हुआ दिखाई दे रहा था। ग्राम प्रधान सकलदीप गुप्ता उर्फ पंतू की तरफ से पोखरा की विशेष करके साफ सफाई, लाइट और आने जाने वाले श्रद्धालुओं को जलपान की व्यवस्था की गई थी। आसपास के गांव के लोग इकट्ठा थे। महिलाओं ने कहा कि छठ का पर्व बहुत ही अच्छा पर्व है, ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये पर्व पारिवारिक जीवन में खुशियां सौहार्द लेकर आता है, अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए जाते हैं। ये पर्व प्रकृति सूर्य उपासना को समर्पित होता है। इसमें शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ग्राम प्रधान सकलदीप गुप्ता ने बताया कि इस नसीरपुर पोखरे पर पिछले 3 वर्षों से घाटों की साफ सफाई, लाइट और श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था करते आ रहे हैं। लोगों का आशीर्वाद है, आगे भी इसी तरह सेवा करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? सकलदीप गुप्ता, ग्राम नसीर प्रधान, वर्तमान प्रधान। प्रधान जी, आपके द्वारा छठ पर्व पे ग्राम सभा की जो माताएं बहने हैं उनको लेकर क्या तैयारी किया आपने? छठ में हर साल 3 साल से लगातार ग्राम सभा में आप सब व्यवस्था, लाइट, टेन, जनरेटर, सब मतलब हर चीज व्यवस्था। देखा जाए तो घाटों को लेकर के आपने बहुत यहाँ पे साफ सफाई कराया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मतलब साफ सफाई रहता है गांव, तो कहते हैं प्रधान जी बहुत बढ़िया काम करते हैं, इसीलिए अपना काम करते हैं। आप बढ़िया से बढ़िया लाइट लगवाए हैं, भर व्यवस्था है, खाने पीने का हर चीज व्यवस्था है इसमें। अच्छा, तो ये लगभग आप 3 साल से करवा रहे हैं जी, तो ऐसा मन में कैसे ख्याल आया किस तरह से करना चाहिए? मैं पहले ही से भक्त का पूजा बराबर करते थे, छठ माई को बहुत पहले से मानता हूँ, कृपा से हम प्रधान बने। अच्छा, छठ पर्व की मान्यता को लेकर जो पूजा पाठ उसको कर आप प्रधान बन गए, इसलिए आप लगातार करते हैं जी। तो और जो लोग उनको क्या प्रेरणा देंगे आप? उन लोग मतलब कैसे, हम लोग चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया काम करेंगे और आगे मतलब जनता कहे कि नहीं बढ़िया प्रधान है, बढ़िया काम करेंगे जी। तो इस छठ पर्व पे अपने ग्राम सभा के लोग क्या कहेंगे आप? गांव ग्राम सभा लोग बहुत खुश हैं, नहीं कर रहे हैं कि पूरा भव्य व्यवस्था ऐसा 50 साल में नहीं हुआ था, 3 साल में हुआ काम। आपने बढ़िया व्यवस्था किया जी।
क्या नाम है आपका? विशाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम हंसराज। आज छठ पर्व का त्यौहार है, नसीरपुर में आप आए हुए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हम जैसा कि आप जानते हैं पूरे भारत में इस समय छठ पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये सभी घर के माताएं बहनें मनाती हैं और ये छठ पर्व हम आपको बता दें जहाँ तक हमको जानकारी है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जब दीपावली के दिन मतलब अयोध्या लौट के आए थे रावण का वध करके, वो क्योंकि रावण एक पंडित के था और उसका वध किए थे, इसके लिए वो भगवान श्री रामचंद्र जी सूर्य देव का पूजा किए थे और उन्हीं के साथ साथ माँ जानकी ये छठ माता का पर्व की थी अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का उम्र बढ़ाने के लिए, इसलिए ये छठ पर्व मनाया जाता है। अच्छा, मतलब दीर्घायु के लिए उन्होंने छठ पर्व के। और देखा जाए तो आपका जो ग्राम प्रधान है और ये छठ पर्व को लेकर क्या तैयारी किए हैं? ये ग्राम प्रधान के बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम है क्योंकि अपने जितनी भी व्यवस्थाएं देख रहे हैं ये हमारे यहाँ के नसीरपुर के ग्राम प्रधान पंचू गुप्ता उर्फ सकुलदीप गुप्ता के द्वारा किया गया है और बहुत ही अच्छा है, ऐसा व्यवस्था कहीं क्षेत्र में नहीं पाएंगे जैसा यहाँ व्यवस्था की। कहाँ के रहने वाली है? माता जी आज नसीरपुर घाट पे आई है छठ मनाने के लिए, नसीरपुर घाट पे आई है, क्या कहेंगी? छठ मनाने के लिए गांव से आई है, इसलिए मनाया जाता अपने बाल गोपाल और देने के लिए माँ बहुत दयालु हैं, माँ सबकी मनोकामना पूरा करती है। माता जी इस घाट पे आप कब से आ रही हैं? वर्तमान में जो ग्राम प्रधान है क्या क्या व्यवस्था किए यहाँ पे? यहाँ पर तो समझ लीजिए कि पहले वहाँ जाते थे, यहाँ आते हुए हो गया, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से किए हैं, घाटों की साफ सफाई किए हैं, बहुत साफ सफाई किए हैं और खुश हूँ मैं। अच्छा, यहाँ की व्यवस्था को लेकर आप बहुत खुश हैं? और देखा जाए तो जो छठ पर्व है क्या क्या पकवान बनते हैं यहाँ पे? यहाँ पर पकवान में हर फल चलता है, पकवान में अखरोट बनता है, पूरी बनती है, पूरी बनती है। छठ वो पर्व मनाने की विधि क्या है? पहले क्या करते हैं लोग? अब सूर्य डूब जाएगा तो लोग फिर क्या करेंगे? घर पर दीपक जलाते हैं, उसकी मंडप बनाते हैं, गाना गाते हैं और देवी की तरह। अच्छा,